प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है तो कई जगहों पर लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों से थमा बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में अगले 3 से 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी जिससे एक बार फिर ठंड का माहौल बन जाएगा। अगस्त के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश कराने वाला स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक बीएस यादव ने बताया कि एक टॉप लाइन गंगानगर से होती हुई आगरा सतना से गुजर रही है और एक लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है जिससे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के अंदर बारिश रफ्तार पकड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिन बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन संभाग, ग्वालियर, चंबल संभाग में अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वर्तमान में मानसून ट्रफ गंगानगर, हिसार, आगरा, सतना होती हुई गुजर रही है और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी अरेबियन सी में बना जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया अरेबियन सी में बनने की संभावना बनी है और एक लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश के आसपास है वही प्रदेश की तरफ अग्रसर होगा। तो इन तीनों स्थितियों से प्रदेश में अच्छा वर्षा की स्थिति में लाभकर स्थिति में रहेगा। कल की अगले दिन 24 घंटे की बात करें तो अपना इंदौर, उज्जैन संभाग एवं ग्वालियर, चंबल और पूरी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के अच्छे खासा आसार बने हों। ये 23, 24 और 25 तारीख को ये बढ़ के और अच्छी भारी स्थिति में आ जाएगा। प्रदेश भर में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।